हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो भाई BMCM मतलब बड़े मियाँ एंड छोटे मियाँ का ट्रेलर तो आप सभी लोगों ने देख भी लिया होगा एंड मैंने इसका रिव्यू भी किया, तो उसको भी जाके चेकआउट जरूर कर लेना। बाकी इस मूवी को लेके काफी ज्यादा लोगों दिल से भावनाएं जुड़ी हुई है, क्योंकि जो बड़े मियाँ छोटे मियाँ पहली जो आई थी, फर्स्ट आई थी, वो काफी लोगों को पसंद आई थी। हमारे गोविंदा और हमारे अमिताभ बच्चन की जोड़ी काफी ज्यादा लोगों को पसंद आई थी। एंड भाई अभी के टाइम पे जो हमारी टाइगर श्रॉफ एंड हम अक्षय कुमार की जोड़ी है, वो भी काफी लोग पसंद कर रही है। जहाँ पे BMCM बड़े मियाँ छोटे मियाँ 10 अप्रैल 2024 को ईद पे रिलीज होगी। एंड मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि इसको ईद पे रिलीज क्यों किया जा रहा है, लेकिन फिर मैंने जब इसके डायरेक्टर का नाम सुना, मतलब अली अब्बास जफर का नाम सुना, तो मेरे को काफी अच्छा लगा, क्योंकि उनकी बीती गई जितने भी मूवीज है, जैसे रेस 3, गुंडे, सुल्तान, टाइगर जिंदा है, ब्लडी डैडी और मेरी फेवरेट ब्रदर की दुल्हनिया, जो कि मेरे को काफी अच्छी भी लगती है मूवी, तो मूवी के डायरेक्टर अली अब्बास जफर काफी अच्छे डायरेक्टर लगे मेरे को। बाकी बात करते हैं इस मूवी के एक्शन के बारे में, तो भाई लिटरली मेरे को एक्शन काफी अच्छा लगा। लेकिन जिस प्रकार से ट्रेलर को रिलीज किया जा रहा था, जिस प्रकार से ट्रेलर के अंदर हमारे अक्षय कुमार और हमारे टाइगर श्रॉफ के फेस का एक्सप्रेशन मतलब बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया, जहाँ पे पीछे इतने बमबारी हो रही है, पीछे इतने सारे लोग लड़ रहे हैं, इतने टैंक्स वगैरह उड़ रहे हैं, गाड़ियां वगैरह उड़ रही है, लेकिन पीछे बिल्कुल भी उनके फेस पे थोड़ा सा भी रिएक्शन नहीं है। तो मेरे को लगता है थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हमारे मेकर्स ने। बाकी अक्षय कुमार काफी दिनों के बाद में एक्शन में नजर आई है, मतलब अक्षय कुमार की बीती 5-6 मूवीज ऐसी है जो कि बिल्कुल भी एक्शन नहीं हुआ उनके अंदर। लास्ट मूवी मैं कहूंगा पृथ्वीराज मूवी आई थी, हमारे सम्राट पृथ्वीराज, उसके अंदर उनका एक्शन देखने को मिला था, लेकिन वो भी सिर्फ तलवारों से ही एक्शन कर रहे थे, गन्स वगैरह यूज नहीं किया गया था। वह भी उसके बाद में जो कठपुतली मूवी आई थी, उसके अंदर भी थोड़ी बहुत गन्स का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन फिर भी उसके अंदर भी हमें फुल ऑन एक्शन के अंदर अक्षय कुमार नहीं देखने को मिले। वहीं पे टाइगर श्रॉफ की भी काफी मूवीज फ्लॉप गई है, मगर बात करूं वार मूवी के बाद में उनकी जितनी भी मूवीज है, जैसे हीरोपंती एंड गणपत जैसी मूवीज काफी फ्लॉप गई है, तो टाइगर श्रॉफ भी काफी दिनों बाद में ही फुल ऑन एक्शन मोड के अंदर देखने को मिल रही है। बाकी बात करें इसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर, उनकी भी अभी के टाइम पे काफी मूवीज नहीं आई है, बहुत दिन हो चुकी है उनकी मूवीज आए हुए, तो अगर उनकी मूवीज भी आती है तो काफी मजा आएगा। एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ के अंदर वो अगर डायरेक्शन कर रहे हैं, तो लिटरली कुछ तो सोचा ही होगा। बाकी इस मूवी को लेके एक सबसे बड़ा क्वेश्चन लोगों के दिमाग में आ रहा था कि इसके अंदर अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ का डबल रोल होगा या फिर नहीं होगा। तो इसकी बात बता दूं कि मैंने जब IMDB की साइट्स वगैरह चेक की एंड बड़े मियाँ छोटे मियाँ को लेकर काफी ज्यादा आर्टिकल पढ़े, तो मेरे को एक बात क्लियर हो गई कि इस मूवी के अंदर भी हमारे अक्षय कुमार और टाइगर श्रॉफ के दो रोल होंगे, जो कि हमें ट्रेलर के अंदर देखने को भी मिलते हैं, जहाँ पे अक्षय कुमार के दो रोल है, जहाँ पे लास्ट के एंडिंग के अंदर जो एरोबियन के नीचे दो लड़के, मतलब दो अक्षय कुमार एंड हमारे टाइगर श्रॉफ जो हंस रहे हैं, वो तो अक्षय कुमार एंड टाइगर श्रॉफ उनका फर्स्ट रोल होगा, एंड जो लड़ रहे हैं जिनके फेस पे बिल्कुल भी रिएक्शन नहीं है, वो उसका सेकेंड रोल होगा। मतलब टाइगर श्रॉफ और हमारे अक्षय कुमार के दो दो रोल होंगे, जैसे हमने पिछले बड़े मियां एंड छोटे मियां मूवी के अंदर देखा था, जहाँ पे बताया जा रहा है कि इस मूवी के अंदर पृथ्वीराज सुकुमारन इसके अंदर मेन विलन के रोल में हमें देखने को मिलेंगे, तो काफी मजा है। लेकिन अभी तक उनका फेस रिवील नहीं किया गया, काफी कंफ्यूजन भी हो रही है एंड मजा भी आ रहा है, क्योंकि अगर फेस रिवील कर देते तो काफी अच्छा होता, लेकिन जब इसका फाइनल टीजर आएगा तो हमें उनका फेस रिवील देखने को मिलेगा। बाकी ये सुन के काफी अच्छा लगा कि इसके विलन काफी अच्छे है एंड इसके दोनों के दोनों एक्टर भी काफी अच्छे है एंड उनका डबल रोल है, तो काफी मजा आने वाला है। बाकी ठीक है, इनके अंदर VFX वगैरह काफी लो है, काफी फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो एक रोबोटिक मशीन दिखाई गई थी, तो VFX काफी लो लगे मेरे को, लेकिन मजा आएगा अगर ये मूवी कॉमेडी वे के अंदर देखने को मिलेगी। अगर जिस प्रकार से बड़े मियां छोटे मियां फर्स्ट आई थी, उसकी तरह ही अगर इस मूवी को फनी वे के अंदर एंड एक्शन मोड के अंदर बनाया जाएगा तो काफी मजा आएगा। एंड अगर बीती मूवीज गणपत एंड हीरोपंती की तरह बनाए गए, तो आई थिंक मेरे को लगता है ये मूवी फ्लॉप ही होगी। बाकी ठीक है, ट्रेलर मेरे को काफी अच्छा लगा, काफी मजा आया एंड पूरा ट्रेलर मेरे को काफी अच्छा लगा। एंड पृथ्वीराज सुकुमारन की एक्टिंग तो नहीं देखने को मिली, लेकिन उनका बैक पैनल देख के ही काफी मजा आया। वहीं पे अक्षय कुमार टाइगर श्रॉफ की फाइटिंग सीक्वेंस देख के काफी मजा आया। आपको कैसा लगा ट्रेलर कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।